देखते हैं, इसको हम लोग चलिए प्रूव करते हैं, ले लेते हैं। लेट पी एन जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस कहाँ तक है, 1/2 का पावर एन इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का पावर एन, ये आपके पास दिया है। अब आपका स्टेप फर्स्ट क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में लेंगे व्हेन एन इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, एलएचएस में रखेंगे तो 1/2 का पावर 1 यानी 1/2 आ जाएगा। अच्छा अब आरएचएस में भी रख देते हैं, आरएचएस में रखेंगे तो 1 माइनस 1/2 का पावर 1 यानी 1 माइनस 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 ही आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो एलएचएस है वह आरएचएस के इक्वल है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस हेंस P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। अब इसके बाद देखिए हम लोग स्टेप सेकेंड में क्या लेते हैं, लेट पी के बी ट्रू है, तो यानी कहने का मतलब हमें यहाँ दिखाना होगा 1/2, ये हमने सपोज कर लिया 1/8 प्लस कहाँ तक है 1/2 का पावर यहाँ के ले लेंगे और इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का पावर, ये हमने सपोज कर लिया कि ये ट्रू है। अब इसके बाद क्या करना होगा हमें प्रूव, तो टू प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू यानी डेट इज, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस कहाँ तक 1/2 का पावर के प्लस 1 तक, है ना जी, के जगह के प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा इसके पहले वाला स्टेप क्या होगा, 1/2 का पावर के इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का पावर के प्लस 1, यही ना हमें प्रूव करना होगा। चलिए अब के जगह हमने के प्लस 1 ले लिया, अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे एडिंग 1/2 का पावर के प्लस 1 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट के बोथ साइड 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस कहाँ तक है जी 1/2 का पावर के, और प्लस कर लेंगे 1/2 का पावर के प्लस 1, ये करते ही एलएचएस वाला पार्ट आ गया और इक्वल टू में देखिए 1 माइनस 1/2 का पावर के और प्लस में 1/2 का पावर के प्लस 1 ऐड कर दिया। अब आरएचएस में सिंप्लीफाई करना होगा, बस 1 यहाँ पे प्लस इसको ले लेते हैं 1/2 का पावर के, या फिर इसी को लो ना, पहले उसी को ले लो, माइनस कॉमन कर लो इन दोनों में, ठीक है माइनस कॉमन कर लो, तो 1/2 का पावर के माइनस यहाँ आ जाएगा 1/2 का पावर के और इनटू में 2 आ जाएगा ना जी, बिल्कुल आ जाएगा, यहाँ से ये कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर के इंटू 2, इसमें से डिवाइड करेंगे कर जाएगा 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा, इसमें से डिवाइड करेंगे ये पूरा 1 हो जाएगा, 1 हो जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 माइनस यहाँ आ जाएगा 1/2 का पावर के इंटू में 2, यानी आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 का पावर के प्लस 1, यही ना हमें लाना था, हमने यहाँ पे ला दिया जो लाना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग नीचे लिख सकते हैं ना जी, कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस पी के प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true। अब लिख सकते हैं by the principle of mathematical induction it follows that Pn is true for all n belongs to natural number। समझ गए, क्वेश्चन नंबर